ये देखेंगे कि संडेज होते कितने हैं किसी भी ईयर में। तो क्वेश्चन था, पॉइंट था 2/7 और बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। पार्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd संडे इन अ लीप ईयर। तो एक लीप ईयर में 53rd संडे भी हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी मतलब इसके चांसेस क्या हैं कि उसमें 53rd संडे भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी कुछ भी नंबर ऑफ डेज हमको दे रखे हैं, तो उसमें अगर मान लीजिए हमको 50 दिन दे दिए या 60 दिन दे दिए और हमसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें संडेज कितने हैं, तो वो कैसे पता चलेगा? उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। क्यों भाई? जितने हफ्ते होंगे उतने तो संडे होंगे, जितने हफ्ते होंगे उतने तो संडे होंगे। तो हम ये देखेंगे इसमें कि एक लीप ईयर की बात करी जा रही है, तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो आप क्या करिएगा? लीप ईयर has 366 days, 366 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 5s are 35, 36 minus 35 is 1, 1 और 6 16, 7 2s are 14, तो रिमाइंडर क्या बचा? 2। इसका मतलब क्या हो गया कि 52 तो पूरे पूरे हफ्ते मिलेंगे, 52 तो पूरे कंप्लीट वीक्स होंगे एक लीप ईयर के अंदर, 52 कंप्लीट वीक्स, लेकिन वो उन वीक्स के अलावा दो दिन और बचेंगे, उनके अलावा दो दिन और बचेंगे। तो 52 कंप्लीट वीक्स, इसका मतलब 52 संडे तो है ही हैं, जो बचे हुए दो दिन हैं उनमें भी एक संडे होगा, तभी मैं कहूँगा कि हाँ इस लीप ईयर में 53 संडेज थे। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि क्वेश्चन इज 52, which means that, there are 52 complete weeks. There are 52 complete weeks. तो completely 52 weeks तो हैं उसमें। अच्छा, for the remaining 2 days. For the remaining 2 days, we can have 2 days, we can have the following possibilities. We can have the following possibilities. भाई क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, और इधर लिख रहा हूँ मैं थर्सडे फ्राइडे, फिर फ्राइडे सैटरडे और फिर सैटरडे संडे, ठीक है। अगला, फिर अगला कॉम्बिनेशन अगर देखेंगे तो फिर वही संडे मंडे आ जाएगा, तो वही। तो अगर हम ये कहते हैं कि कोई एक कंप्लीट लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 52 वीक्स तो कंप्लीट है, 52 कंप्लीट वीक्स का मतलब क्या हो गया कि 52 तो संडेज मिलेंगे ही मिलेंगे उसमें। जो बचे हुए दो दिन हैं उनमें से कोई एक संडे और हो तभी 53 संडेज बन पाएंगे। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? उसमें हमें यही कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि बचे हुए जो दो दिन हैं वो संडे और थर्सडे हो जाए। संडे और थर्सडे तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि भाई अगर संडे है तो उसके बाद फिर मंडे ही आएगा, फिर वो थर्सडे नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर उसको थर्सडे होना है तो भाई उसके साथ या तो फ्राइडे बनेगा, या तो वेडनेसडे बनेगा, या फ्राइडे बनेगा। भाई दो, जो दो बचे हुए दिन हैं कॉन्सिक्यूटिव डेज ही तो होंगे, एक के बाद एक आने वाले दिन। तो इसलिए जो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास टोटल हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज़ बचे हुए दो दिनों की ये हो सकती है कि या तो वो संडे मंडे का एक
ग्रुप हो या मंडे ट्यूसडे हो या ट्यूसडे वेडनेसडे हो, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, सात, और उसमें संडे कितनी उसमें मिल रहे हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं सैटरडे संडे और संडे मंडे वाली, बस यहीं पर मेरे को संडे मिल रहा है, तो इसका मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बोलो, 2/7 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 2/7 ये किसी का ठीक हुआ है कि नहीं सर, चलो एक चीज का ध्यान रखना, आप डिवाइड भी मत करके दिखाओ, ये भी मत दिखाओ, आप ये लिख देना जरूर, ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको ये जरूर लिखना होगा कि टोटल पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, ठीक है। लीप ईयर का क्वेश्चन या ये 53 सेंटेंस वाला क्वेश्चन बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, कभी भी किसी भी साल डाल देते पेपर में। अच्छा, इसके बाद एक था और कौन सा बोल रहे थे सर, कार वाला, वो कार स्पीड जिस सर मैंने भी सर क्वेश्चन डाउट किया सर को कुछ भेजा है क्या तुमने? यस सर आपके फोन पे, लेकिन ये आया तो नहीं अभी तक, सर हफ्ता संडे पे खत्म होता है, संडे पे खत्म होता है उसमें हफ्ते कितने हैं, उसमें हफ्ते कितने, जरूरी नहीं है कि पूरा साल जो है या मतलब सैटरडे पर वो खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि हमने कहा कि सैटरडे पर तो हफ्ता खत्म हो गया, लेकिन साल कितने पर खत्म हो रहा है, ठीक है, नहीं समझे। जैसे ये 7 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो 7 से पूरी तरह से डिवाइड क्या हो रहा है, 364 हो रहा है, पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। तो हमने ये कहा कि हो सकता है 28th को, हो सकता है 28th को पूरा एक हफ्ता खत्म हो रहा हो, मतलब 28th को सैटरडे था, तो फिर 29th को हो गया संडे, 29th को संडे हो गया, और 29th तक आते ही पूरे 364 डेज कंप्लीट हो गए, ठीक है। जरूरी नहीं है ना कि जो 1 जनवरी था वो 1 जनवरी मंडे से ही स्टार्ट हुआ हो, ये नहीं कहा जा सकता। तो 364 मतलब 29th पर आते ही पूरा संडे तक का कंप्लीट हो गया, तो फिर मंडे ट्यूसडे है। अच्छा, हो सकता है ऐसा हो कि 29th तक आते आते थर्सडे हो, तो फिर उसके बाद में क्या होगा कि 30 और 31 को क्या होगा, फ्राइडे और सैटरडे होगा, तो ये हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है। और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें प्रोबेबिलिटी, देखिए प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि 7 में से 2 चांसेस ही हैं बस, ऐसे किसी भी लीप ईयर में 53 संडेज पड़ जाए, नहीं तो 52 ही पड़ेंगे, 7 में से 2 चांसेस हैं, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है ना, 7 में से 2 बहुत कम है, 7 में से 5 होती तब मैं कहता कि हाँ काफ़ी ज़्यादा है, 7 में से 4 होती तब भी मैं कहता काफ़ी ज़्यादा है। क्या उल्टी बात? नहीं सर, इस साल में, इस साल मेनली छुट्टी संडे में, इस साल में। अच्छा, अभी 2023 का देख भी डाला आगे तक का, लॉन्ग विजन की, मतलब बोर्ड की तैयारी जो है वो होती रहेगी, पहले ये देखो छुट्टी कब है, ये 1/2 लिख के आया है, आधा साल छुट्टी का बनाएंगे, और चलिए मैं ना ग्रुप पर एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ। अच्छा भाई, बाकी ना मैं मजाक से हटके एक चीज बता रहा हूँ भाई, तुम ना पढ़ना शुरू कर दो वेदांत पेपर जो है, जैसे इसमें 7 क्वेश्चंस हैं टोटल, 7 क्वेश्चंस हैं, तो इन 7 में से भाई 4 तो होने चाहिए थे ना, बता दो, 7 में से 4 तो होने चाहिए थे, अभी पूरे 1 घंटे बैठे रहे तुम, पेपर में कुछ करा ही नहीं है तुमने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अब जैसे ये इधर है सिल्वर है, ये पोटेशियम है,
है ना, तुम्हारा क्या नाम था, सोडियम है ना, तो हंसी मजाक करते हैं, इसके नंबर फिर भी ठीक आ जाते हैं, इसके भी ठीक आ जाते हैं, है ना। अच्छा मतलब लुटिया डूब चुकी है तुम्हारी तो भैया तुम भी सुधर जाओ, ऊपर आने की कोशिश, हाँ ऊपर आने की कोशिश करो, ये बॉइंट फोर्स लगनी चाहिए, बॉइंट फोर्स समझते हैं ना आप ट्रस्ट। सर ये होता है कि जब पढ़ता हूँ तब समझ आता है, लेकिन एग्जाम अरे मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है जो तुम्हारे हाथ में है। मैंने तो फोन तोड़ दिया अपना, टीवी तोड़ने मजा आ गया, तो इसलिए फोन तोड़ ले आरिश भाई, बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेकिन अगर ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है ना कि पढ़ते टाइम सब कुछ समझ में आ रहा है लेकिन उसके बाद जो है पेपर में गड़बड़ हो जाती है, तो फिर आपको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हमारे दिमाग से निकलती है चीज़ें और सभी के साथ होता है, सभी के साथ होता है, कई बार ऐसा नहीं हुआ कि आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे कह दिया चलो जी कल देख देते हैं, इसको नहीं आ रहा अभी दिमाग में, नहीं स्ट्राइक कर रहा है, तो वही तो प्रैक्टिस है। तो कोई भी इतना महान नहीं होता है, सब इंसान ही है, तो हो सकता है इसको एक बार में चीज़ समझ में आ जाती, दो बार में आएगी ना तुम्हें, तीन बार में तो आएगी, उसी को तो कहते हैं फाइट मारना, तो फाइट करो, ऐसे ही तो हुआ। अच्छा मैंने ना ग्रुप पर दो क्वेश्चन भेजे हैं, दो फोटोज हैं, इसमें एक तो बताता हूँ, एक तो क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें देखिएगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें ना सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस करना है, इसमें इसने कुछ डायग्राम में बना भी रखा है, उसको छोड़ो आप, हम ये देखते हैं। इन द गिवन फिगर ओपी इज इक्वल, इन द गिवन फिगर ओपी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, क्या दिया है, ओपी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब समझना जरा, क्वेश्चन नंबर 30 के दो पार्ट्स देखते हैं। अच्छा मोबाइल फोन सभी के पास है अभी कि नहीं है, नहीं कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इन द गिवन फिगर, सभी बच्चे क्वेश्चन नोट करें फटाफट, प्रूव दैट एबीपी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिगर देखिएगा क्या है, एक सर्कल दे रखा है, ऐसे जो जो चीजें क्वेश्चन में दे रखी हैं वो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, और इसका सेंटर दे रखा है यहाँ पर O, ये पॉइंट है P, जरा देखिएगा इन्होंने क्या बोला है कि इन द गिवन फिगर OP इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल प्रूव दैट ABP इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो ABP है, मतलब अगर मैं A और B को जॉइंट कर दूँ तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये चीज़ प्रूव करनी है। इसको प्रूव करने में देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ऐसा होता है कि अगर मैं A और B को जॉइन कर दूँ ना यहाँ पर, अभी मैं जॉइन कर नहीं रहा हूँ, मैं बस ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको, आप ये देखिएगा कि अगर मैं ए और बी को ज्वाइन कर दूंगा तो ट्रायंगल बन जाएगा ए बी पी। मुझे बस एक काम करना है, मुझे बस ये जो पूरा का पूरा बड़ा एंगल है ना, इसको 60 डिग्री प्रूव कर देना है, और अगर ये 60 डिग्री प्रूव हो गया तो काम बन जाएगा। कैसे भाई, ये तो हो जाएगा 60 डिग्री, और फिर जब इसको ज्वाइन करूँगा तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, और टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉप करते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, तो वो जब टेंजेंट्स इक्वल हो जाएंगे तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल, इधर को एक्स और इधर को एक्स मान लेंगे, वो अपने आप ही आ जाएगा।
मतलब पहला काम हमारे पास ये है, आप उसको भी देख लीजिएगा, छोड़िए अभी इतना आगे मैंने सोचते हैं। पहला काम क्या करते हैं, ये वाला पूरा एंगल कैसे निकालना है। अच्छा, तो ये पूरा एंगल कैसे निकालेंगे देखते हैं जरा। देखिए ये जो है ना ओ ए, ये तो हो गया आर रेडियस, ये जो ओ बी है ये भी हो गया आर, और ये जो ओ बी दे रखा है ये तो ऐसे ही हो जाएगा, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। चलिए एक काम करिएगा, देखिए लेट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, लेट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल बी आर, बी आर, इट इम्प्लाइज दैट ओ ए इज इक्वल टू आर, ओ बी इज इक्वल टू टू आर, दे रखा है ना वो डायमीटर भी इक्वल है गिवन। और यहाँ लीजिएगा एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री क्यों, बस रीजन लिख देना, एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 90 डिग्री, इज 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री होता है हमें मालूम है। तो अब एक काम कर लीजिए, इस वाले एंगल को बोल दीजिए थीटा, इस वाले एंगल को थीटा बोल दीजिए। तो इन ट्राइंगल ओ ए पी ट्राइंगल ओ ए पी मेरे पास क्या है, थीटा के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर कौन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा की वैल्यू निकालिए 30 आ जाएगी। तो साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ पी, ओ ए अपॉन ओ पी, साइन थीटा इज इक्वल टू ओ ए कितना है आर और ओ पी कितना है 2R, आर से कट गया आर, ऊपर 1 बचा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, इट इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री है तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी 30 है तो भाई ये भी 30 होगा, क्यों इधर भी तो वही कहानी है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा तो ये भी परपेंडिकुलर कौन हाइपोटेन्यूज करेंगे तो ये वाला एंगल भी आपका वही आ जाएगा 30 डिग्री। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया, तो हमें टेबल याद है कि साइन के टेबल में 1/2 कहाँ पर आएगा, 30 डिग्री पर, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। आपको वो यहाँ से आया कि देखिए आप ये प्रॉपर्टी तो लगाएंगे ही लगाएंगे कि यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है, एकदम से आप ये करेंगे कि भाई इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दें, सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बताओ, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूफ करना है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करने के लिए मुझे या तो तीनों साइड्स मिल जाएं, तीनों साइड्स इक्वल हो जाएं, या तीनों एंगल्स मिल जाएं इक्वल। तो मैंने एकदम से ये देखा कि अगर मैं ए से बी को ज्वाइन करूँगा तो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि पी ए बी ये जो ट्राइंगल है या ए बी पी ये आइसोसेलस तो हो ही गया, आइसोसेलस तो ये हो ही गया क्योंकि पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो दो साइड्स तो इक्वल हैं, तीसरी साइड कैसे इक्वल प्रूव करें। तो फिर दिमाग में यह आया कि भाई तीसरी साइड इक्वल प्रूव करने में दिक्कत होगी, तो एंगल निकाला जा सकता है। तो एकदम से ये आई चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर मान लीजिए मेरे पास इधर ये थीटा दे रखा है तो ये इन्होंने ओ पी इज इक्वल टू डायमीटर क्यों दिया है, कुछ तो सोचा होगा इन्होंने। पर जैसे ही दिमाग में आपके एकदम ये चीज़ आ जाए कि अच्छा ये दे रखा है तो भाई ट्रिग्नोमेट्री जरूर लगा लेना। ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को आप देखिए कितना आसान कर दिया। अब ये होते ही हमारे पास एकदम 30 डिग्री आ गया, इसके आगे की कहानी तो समझ जाएंगे। बताओ भाई विनायक क्लियर है? यस सर। ठीक है, और ये दिमाग में कैसे आती है, ये दिमाग में ऐसे आती है कि हमने एक बार ये क्वेश्चन कर रखा है, ठीक है ना, आपका टीचर कोई महान टीचर नहीं है, मैंने ये क्वेश्चन कर रखा है इसलिए आ गया दिमाग में,
तो इसीलिए बार बार जो बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वो इसीलिए बोलते हैं। और ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही होते हैं, आप ये देख लीजिए कि जिस बच्चे ने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है ना, वो पेपर देखते हैं, भाई ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, भाई ये आरडी का है, ये फलाने सैंपल पेपर में से उसने पढ़ रखा है एक बार, तो एक बार में बहुत कम बच्चे जिनको एक बार में याद हो जाता है, दो बार या तीन बार करेंगे तो दो तीन बार में याद हो जाएगा अपने आप ही। और कई बार इतना भी, मतलब इतनी हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है कि हम पेपर देकर आए, पेपर देकर आए, अपने पेपर साइड में रख दिया, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 13 आया था ना मेरे बोर्ड के पेपर में। कई बच्चों की मेमोरी इतनी शार्प होती है, पाँच पाँच छः छः साल तक बाद भी याद रहता है उनको कि मेरे बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आया। तो आप प्रैक्टिस करिए, कहीं भी किसी भी बच्चे को मन छोटा करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने अभी ये क्वेश्चन करा था, अभी अभी करके गया था, एक घंटे बाद टेस्ट था, मेरे से उसमें भी नहीं हुआ ये क्वेश्चन। तो अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं है कि मैं तो बहुत बड़ा नारा है ना, मुझे तो भगवान ने कम देकर भेजा दिमाग, मेरे अंदर कम है, भाई किसी के अंदर कम नहीं, सबके अंदर बराबर है। बस इतना जरूर है कि आप बार 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 थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। और अब ये करना ही क्या है, अब ये जो आपके पास टाइम है, अब आप ये देख लीजिए स्कूल का तो कोई ऐसा बर्डन नहीं होगा ना, तो जब ऐसा बहुत ज़्यादा बर्डन स्कूल का नहीं है और प्री बोर्ड का बर्डन मानने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। एक कभी बर्डन मानो कि भाई पाँच दिन बाद ना मेरा SST का पेपर है, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आने दे भाई। अभी साइंस में अगर ह्यूमन आई एंड कलरफुल नहीं वर्ल्ड नहीं कर रखा है तो उसको करो ना पहले, ठीक है। या SST का कोई चैप्टर ऐसा है जो हमने नहीं कर रखा और हम साइंस में लगे पड़े हैं तो भी हम बेवकूफ़ हैं, उसको भी करो। तो थोड़ी सी प्लानिंग कर लेना और प्लानिंग के हिसाब से ना एक्ट भी करना होगा। प्रैक्टिस ये डालना अपनी कि मुझे दिन में कितनी देर सोना है, और सीरियसनेस इतनी होनी चाहिए कि 8 घंटे या 10 घंटे या 9 घंटे जितना भी आप सोते हैं उसके बाद फिर अलार्म लगे तो भाई उठ ही जाना। घर पर मम्मी पापा से भी कह देना, जो भी हो मम्मी पापा बाबा दादी जो भी घर पे हम साथ में, उनसे कह देना जी चाटा मार के उठा देना मुझे, पर उठा देना, कहीं मैं सोता रह जाऊँ, ठीक है। नहीं वो कोई बात नहीं, वो सह लेना उस चीज़ को, लेकिन कर लो इस चीज़ को, अभी इम्पोर्टेंट है टाइम बड़ा। कोई अगर मतलब मुझसे पूछता ना, जैसे आपने शायद इंग्लिश में हिंदी में वो ऐसे पढ़ा होगा, उसमें लिखते हैं ना कि इफ यू वर ये गाय पर उसमें ये लिखा जाता है कि इफ यू वर गिवन अ चांस, कि अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या अपने कंट्री में चेंज करना चाहेंगे, इस तरीके से। वो और कुछ बच्चे एकदम से कहते हैं मैंने एग्जाम खत्म करवा दूंगा तो सीधा ये किया था। एक दिन में एक दिन वाला सीएम सी सर, ठीक है। इसके अंदर कोई और मेथड हो सकता है सॉल्व करने का? हां, और भी मेथड लंबा पड़ जाएगा। मतलब वो मेथड ये है कि जैसे मान लीजिए हमने इसको इससे जॉइन कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे, इधर आर दे रखा है, इधर टू आर दे रखा है, तो पहले पाइथागोरस यूज करके ये निकालो, बड़ा लंबा पड़ेगा, रहने दो उसको, रहने दीजिए उसको। तो मतलब अगर कोई ये पूछे कि भाई आपको अगर कुछ मौका मिले तो क्या करें, तो मेरे मन में तो ये है कि मैं इस एजुकेशन सिस्टम में एक बदलाव चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम्स है ना वो एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में होने चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि ये जो है ना ये जनवरी फरवरी और ये जो मार्च में एग्ज़ाम होते हैं इसमें नींद बहुत आती है, सर्दियाँ इतनी ज़्यादा होती है कि पढ़ा नहीं जाता। और ये इस दर्द को ना सिर्फ नॉर्थ इंडियन से समझेंगे, वो साउथ इंडियंस है ना या जो कोस्टल रीजन के पास रह रहे हैं एक साल वो नहीं समझेंगे। हाँ, नॉर्मल सा वेदर चल रहा है जैसा चलता है हमेशा चलता है, तो नॉर्थ में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो भाई इस प्रॉब्लम पर आपको जीत हासिल करनी है और बढ़ना है आगे। चलिए देखते हैं, अभी हो गया हमारा एंगल ए बी डी, तो ये 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ तक हो गया सिमिलरली ट्रायंगल ओबीपी ऐसा उसने नहीं किया, कुछ नहीं करना ना, एंगल एबीपी 60 डिग्री हो गया। अब ये जो पीएबी है, अब इस ट्रायंगल में आप सीधे सीधे ये कर लीजिए कि ये वाला जो एंगल है इसको आप एक्स मान लीजिए और ये वाला जो एंगल है इसको भी एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें अब हम ये कहेंगे भाई बात नहीं प्लीज आते नहीं भाई हमारा, तो हम ये कहेंगे इन ट्रायंगल PAB एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA इज इक्वल टू एक्स, ब्रैकेट में लिख रहा हूं सेम, मतलब ऐसा आपने मान लिया, क्यों, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू
मल्टीपल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल आर इक्वल. अच्छा ये मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर कि कौन सी दोनों साइड, ये आपको पता ही है कि पी ए और पी बी दोनों इक्वल होगा. ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉप करते हैं तो वो हमेशा इक्वल आते हैं. अच्छा जी आगे चलते हैं. अब x प्लस x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी. Triangle ABP is an equilateral triangle. is an equilateral triangle. अच्छा इसी तरह से जो एक दूसरी फोटो भेजी है उसमें क्वेश्चन नंबर 16 हमको करना है. क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल are the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to x square minus px plus q. Prove that alpha square upon beta square plus beta square upon alpha square is equal to p to the power 4 upon q square minus 4p square upon q plus 2. तो ये चीज हमको प्रूव करनी है. ठीक है, अब इन्होंने ये बोला है कि अल्फा और बीटा ये जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे रखा है ना x square minus px plus q, तो अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, ऐसा है ये दे रखा है. तो ऐसे में क्या करेंगे देखिएगा, fx is equal to x square minus px plus q. Compare it with fx is equal to ax square plus bx plus c. इसके साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं. तो x square का कोफिशिएंट है a, जो x का कोफिशिएंट है वो होता है b, और जो कांस्टेंट टर्म है वो होता है c. तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a इज इक्वल टू 1 इधर x का कोफिशिएंट है b और इधर x का कोफिशिएंट है माइनस b. कांस्टेंट टर्म है q, तो c इज इक्वल टू q, ये हो गया. अच्छा जी अब इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल f(x)
alpha plus beta is equal to minus b upon x और alpha into beta is equal to c upon x. तो alpha plus beta is equal to minus of minus p upon 1. तो alpha plus beta की value तो आ गई p और alpha beta की value आ गई c. क्या है q? तो q upon है, यानी कि q upon 1. alpha beta, alpha plus beta आ गया p और alpha beta हो गया q. अब क्या करना होगा ये देखिएगा, मुझे चाहिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर. इसको इक्वेशन वन बोला, इक्वेशन टू स्क्वायरिंग. बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन वन, इक्वेशन वन की दोनों तरफ मेरे को स्क्वायर करना है. अब देखिएगा इसमें ना एक चीज आती है दिमाग में कि जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो सिंप्लीफाई करते टाइम इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा. फिर अल्फा स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा की पावर 4, बीटा स्क्वायर इज बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा की पावर 4. इसका मतलब मुझे अल्फा स्क्वायर भी नहीं, मुझे अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 चाहिए. तो मुझे इसको एक बार स्क्वायर ना करके मुझे इसको दो बार करना पड़ेगा स्क्वायर. तो पहले एक बार करते हैं स्क्वायर ताकि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाए. ठीक है, तो करते हैं, पहले एक बार देखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन वन. तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर. यहाँ तक ठीक, ठीक है, एक्सपेंड करा है बस. अब इधर क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज रेट दिया प्लस 2 इनटू अल्फा बीटा की वैल्यू है क्यू, तो 2q इज इक्वल टू बी स्क्वायर. तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2q. इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3. मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई. अच्छा, मुझे चाहिए क्या, जब ये जो दोनों टर्म्स दे रखी है ना लेफ्ट हैंड साइड वाली जो मुझे प्रूव करना है, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर करेंगे तो अल्फा की पावर 4, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर तो बीटा की पावर 4. तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 मुझे चाहिए, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 चाहिए. तो आप इक्वेशन 3 को एक बार फिर से स्क्वायर कर दो. तो जब फिर से स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 भी आ जाएगी, स्क्वायर का स्क्वायर तो पावर 4 होती है ना. तो करते हैं एक बार, यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3. हाँ जी, इक्वेशन 3 में दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर. ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इनटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर. तो a माइनस b का होल स्क्वायर लगाइए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 2q. हाँ जी, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर ये क्या बन जाएगा, अल्फा की पावर 4, बीटा स्क्वायर का स्क्वायर ये बन जाएगा बीटा की पावर 4 प्लस 2. अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को ये बोला जा सकता है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर का स्क्वायर पी की पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू. यहाँ तक बता दीजिए, समझ गए. ठीक है, अब जरा देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास है पहले से क्यू, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 इंटू क्यू स्क्वायर.
स्क्वायर क्यू है ना, ठीक है चलेगा। पी की पावर 4 प्लस 4 क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू। अब इस 2 क्यू स्क्वायर को उधर ले जाओ, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू पी की पावर 4, इधर 4 क्यू स्क्वायर है और ये प्लस का 2 क्यू स्क्वायर, उधर जाकर 4 क्यू स्क्वायर माइनस 2 क्यू स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस का 2 क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू। यहाँ तक समझ गए कि नहीं? तो भाई यहाँ तक मेरे को चाहिए था, मुझे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 चाहिए था, मुझे मिल गया। ठीक है, दोबारा तो नहीं बताना, देख लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू आया। यहाँ तक आपने देख लिया था, हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा मैंने इसका फिर से स्क्वायर करा, तो अब अल्फा स्क्वायर विल एक्ट लाइक ए, बीटा स्क्वायर विल एक्ट लाइक बी, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और इज इक्वल टू अगेन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्या है यहाँ पर, पी स्क्वायर, और बी क्या है 2q, तो पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2q का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 2q। अब लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर अल्फा की पावर 4, बीटा स्क्वायर का स्क्वायर बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, जब मल्टीप्लाई होता है ना तो होल स्क्वायर करा जा सकता है, जब डिवाइड है तब भी होल स्क्वायर करा जा सकता है, प्लस में और सब्ट्रैक्ट में नहीं करते, प्लस में और सब्ट्रैक्ट में ऐसे होल स्क्वायर नहीं होता। तो अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया इज इक्वल टू पी स्क्वायर का स्क्वायर पी की पावर 4, 2 क्यू का स्क्वायर मतलब 4 क्यू स्क्वायर, और 2 पी स्क्वायर इंटू 2 क्यू मतलब 4 पी स्क्वायर क्यू हो गया विद माइनस साइन। अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू है तो इक्वेशन नंबर 2 में हमने देखा, तो अल्फा बीटा की जगह क्यू डाल दिया तो ये बन गया 2 क्यू स्क्वायर। अब इसको उधर ले जाओ तो 4 क्यू स्क्वायर माइनस 2 क्यू स्क्वायर बन जाएगा प्लस का 2 क्यू स्क्वायर, और ये दोनों टर्म ऐसे रहेंगे। बताइए क्लियर है? अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ऑनलाइन वाले बता रहे हैं समझ गए? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे चलते हैं फिर। देयरफॉर अब ये है, एलसीएम लेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो गया बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर अल्फा की पावर 4, बीटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर बीटा की पावर 4। ठीक है, इधर कर रहा हूँ आगे, देखिएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसकी वैल्यू डाल रहा हूँ यहाँ से इक्वेशन 4 से, तो पी की पावर 4 प्लस 2 क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू, ये हो गया अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 है ना, और अपॉन में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। अब आपको समझ में आ ही गया होगा, स्प्लिट कर लो, आगे कर रहा हूँ उसको। स्प्लिट करेंगे पी की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर, प्लस 2 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर, तो एक क्यू से एक क्यू कट गया, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, पी की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2, ये प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया, एक क्वेश्चन और देखिए, इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट
prove that the intercept of a tangent between two parallel tangents to a circle subtends a right angle at the center. Prove that the intercept of a tangent intercept of a tangent between two parallel tangents of a tangent between two parallel tangents to a circle subtends a right angle at the center. अच्छा, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? इंटरसेप्ट का मतलब होता है लाइन का एक टुकड़ा, उसको इंटरसेप्ट बोल देते हैं. So prove that the intercept of a tangent between two parallel tangents to a circle. तो क्या है कि एक सर्कल पर दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, पहली चीज तो ये, तो पहले तो ये बनाना होगा हमको. बस ये एक लाइन में क्वेश्चन दे रखा, फिगर वगैरह क्वेश्चन दे रखी है. तो पहले तो मुझे यही समझना है कि ये पूछ क्या रहे हैं, इसमें हमको करना क्या है, ठीक है? तो ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया. तो यहां से एक लाइन ऐसे गुजरती है इस तरह से, तो जो एक पॉइंट पर टच करके गुजरने वाली लाइन को ही हम टेंजेंट बोल देते हैं. तो एक टेंजेंट तो ये हो गया और एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट ये हो गया और एक टेंजेंट ये हो गया. तो प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट, इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स, एक ऐसा टेंजेंट है जो इन दो पैरेलल टेंजेंट्स के बीच में भी एक टेंजेंट है. तो प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर. समझ गए? तो क्या हो गया कि गलत बना रहा है, मुझे तो नो बट ऐसे प्रूव हो गया स्क्वायर में चाहिए तो अच्छा कर सकता. तो ये कह रहे हैं कि ये प्रूव करो ये वाला बीच में जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है. सर ये तो सर एचसीआरटी वाला क्वेश्चन है, लेकिन अलग से नहीं लगता. हाँ तो समझ गए, फिगर बनने के बाद समझ में आ गया, ठीक है? फिगर, हाँ, फिगर बनने से पहले नहीं आ रहा था ये समझ में, ठीक है? तो अब समझ लीजिए कि उन्होंने क्या बोला, प्रूव दैट द इंटरसेप्ट. अब मैं आपको रास्ता बता देता हूँ, उसका आगे का काम आपका काम है, क्या करना है सुन लो जरा. ये 90 डिग्री दे नहीं रखा है, मुझे ये प्रूव करना है. तो यहाँ पर लिखिएगा ए, यहाँ पर लिखिएगा बी. अब इस पॉइंट का नाम दे दो सी और इस पॉइंट का नाम दे दो डी, इस पॉइंट का नाम दे दो ई और ये जो सेंटर है इसका नाम दे दो ओ, ठीक है? अब ये सारा काम हो गया. क्या बोल रहे हैं? प्रूव दैट द इंटरसेप्ट, ठीक है? ये मुझे बीच बीच में आंखें इतनी बड़ी क्यों हो जाती हैं? कुछ नई चीज तो नहीं है ना? चलिए जी, अब देखिए, प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स. तो एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स. तो एक टेंजेंट है दो पैरेलल टेंजेंट्स के बीच में, तो दो पैरेलल टेंजेंट्स तो ये हो गए और फिर एक और टेंजेंट है, तो इसका मतलब वो भी उसको एक पॉइंट पर टच करके जाएगा. तो अब वो कह रहे हैं कि इन इसका इंटरसेप्ट एट द सेंटर, मतलब ये जो बीच का टुकड़ा है ना टेंजेंट का, तो ये जो है ये सेंटर पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है. तो वही टेंजेंट का शुरुआत वाला पॉइंट और आखिरी वाला पॉइंट ज्वाइन कर दो, सेंटर पर बन गया एंगल. तो ये जो सेंटर पर बनने वाला एंगल है इसको 90 डिग्री प्रूव करना है. तो लिखिएगा टू प्रूव एंगल एओबी
इज इक्वल टू 90 डिग्री. मेरे को ये प्रूव करना है कि एंगल AOB जो है वो 90 डिग्री है. अगर हम OC को जॉइन करते हैं, हां हम ये सब जॉइन करने पड़ेंगे, A को 45 और उसको 45 बस. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है. ये आपको अब क्या करना पड़ेगा, OD को जॉइन करो, OC को जॉइन करो, तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री. अच्छा, इसी तरीके से OE को जॉइन करो तो ये भी 90 डिग्री. ठीक है, अब क्या करना होगा, देखिए मैं इसमें बता रहा हूँ कि एक सिंगल टिक और एक ही सिंगल टिक को लगा रहा हूँ. इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूव करना होगा. फिर इधर डबल टिक लगा रहा हूँ और इधर डबल टिक लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स आपको सिमिलर प्रूव करने पड़ेंगे. ठीक है, जब सिमिलर प्रूव करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये एंगल इस एंगल के बराबर आएगा. तो इसको एक्स मान लो और इसको एक्स मान लो. सिमिलरली ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आएगा, तो ये y और ये y, तो 2x plus 2y is equal to 180 degree. ठीक है, ये पूरा एंगल 2x, ये पूरा एंगल 2y is equal to 180 degree. तो x plus y कितना हो गया, 90 degree, और ये x plus y बीच का एंगल ही है, ये हो गई 90 degree. बस ये करना होगा. दोबारा समझ लीजिए, ट्राइंगल मैं लिख नहीं रहा हूँ इसको, क्योंकि आपको आप आराम से कर पाओगे. देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर कैसे प्रूव करा जा सकता है, एंगल की भी जरूरत नहीं है. आप ये देखिए, ये AD इस AC के इक्वल, ये AO कॉमन साइड और ये OC और OD दोनों ही रेडियस हैं. ठीक है, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर ही नहीं, कॉन्ग्रुएंट भी हो गया, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से. जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग सारे एंगल्स इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल. तो भाई ये बीच वाला एंगल इसके इक्वल, तो इसको एक्स मानो, इसको एक्स मानो. इसी तरह से इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, OB कॉमन साइड, BC और BE tangents from an external point equal. ठीक है, अच्छा तो हम ये कहेंगे ये triangle भी congruent, congruent के बीच वाले angle equal, ये भी y मान लिया भाई, वो भी y, ये वो भी y, ये दोनों equal हैं. तो इधर वाला पूरा angle 2x, इधर वाला पूरा angle 2y, 2x plus 2y, 180 degree linear pair से. क्योंकि अच्छा ये सवाल ही उठता है, ये straight line कैसे है, ये स्ट्रेट लाइन कैसे है, इधर एंगल बन रहा है, क्योंकि इधर भी 90 डिग्री है और इधर भी 90 डिग्री है, को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच में. इसका मतलब ये जो DE है ना, ये एक ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है, ये इसका डायमीटर हो गया. ठीक है, कर लेंगे. ठीक है, अभी यूं मत करो, कर भी लेना इसको जाकर. ठीक है, कंप्लीट कर लेना इसको. ठीक है, चलिए जी, आज फिर इतना ही है, बाकी कल देखते हैं. थैंक यू सर. चलिए जी, ओके ओके.